खींचे हैं, तो इसे लाठी उभारे। तो पहले हमारे भैया मिले पानी में से, हमारे भैया मिले एक लड़का और मिला, दोनों निकाल के बाहर हुए, दोनों खत्म हो चुके थे पानी में। वही इस बार फूल आना है, बस इतने में डूब रहा है, जाओ जाओ देखो दौड़ो पूरी हल्का मस्जिद चौराहा लेकर के उधोपति किशनदासपुर। तो हमारा आया था बहुत हाइकर था ग्राम बेटवा हमारा, हाँ उसका मुंह मलपट नहीं भूला रहा। हमारा वो बच्चा अब कहा होगी तो भगवान खींचा कैसे गया कैसे, वो तो जान जान से मारा गया है। वो जो कहते हैं हेलो अरे दोहाई पंचों को लड़का डूब रहा है तो कोई फट पड़ता उसमें ऐसे कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद अंबेडकर नगर के थाना क्षेत्र जैतपुर के अंतर्गत किशुन दासपुर एक ग्राम सभा में है, और इस ग्राम सभा में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है कि आप भी कहीं ना कहीं रोने पर मजबूर हो जाएंगे। जहां एक तरफ त्यौहार है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, मगर इस ब्राह्मण परिवार में आज जो है दुख का मातम पसरा हुआ है। मामला क्या है, इस परिवार में आज क्यों दुख का मातम पसरा हुआ है, क्यों इस परिवार में आज जो है खुशी नहीं दुख की छाया पड़ रही है, आइए पूरे बात को पूरे मामले को जो है समझते हैं। क्या नाम श्रीमान आपका? प्रेमचंद्र मिश्र। प्रेमचंद्र मिश्र जी, क्या मामला है आज आपके घर पे? चारों तरफ नवरात्रि का त्यौहार है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, लेकिन आज आपके घर पे इस तरह जो है दुख का मातम पसरा हुआ है। बहुत ही दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, और सब परेशान है। मैं अकेले घर पे हूँ, भाई एक परदेश में अभी तक वार नहीं पाया है। हाँ बहुत तकलीफ है। गए थे वहाँ पे तालाब पे, तीन लोग गए थे यहाँ से, गाड़ी से लेके लोग ले जाके गए थे उनको। तालाब पे गए थे? हाँ वहाँ पे जहाँ पे डूबे थे। अच्छा अच्छा, कहाँ उस तालाब कहाँ पर है? ये सकलकुला ग्राम है, गिदरीगंज बाजार के थोड़ा आगे है। अच्छा अच्छा, तो दो लोग उसमें गए तो तालाब बहुत बड़ा था। अच्छा अच्छा, तो इसलिए तालाब के यहाँ गए थे? वो फूल लाने पूजा एक होता है देवतन बाबा का। अच्छा अच्छा, वो सब बेलपत्ती लगता है, फूल लगते हैं, मतलब पूजा पाठ के लिए फूल तोड़ने गए तालाब में। जी कौन सा फूल तोड़ने गए थे? वो आता है सफेद सफेद कमल, अर्रा बर्रा क्या बोलते हैं उसको, बिर्रा जो कमल का फूल होता है। हाँ वैसा होता है। हाँ वो लगता है क्या वो? हाँ पूजा में लगता है वो। अच्छा, तो वहाँ पे गए थे वो, उसके बाद दोनों गए अंदर लाने के लिए, तो जो साथ में गया था गाड़ी से लेके वो बाहर था, उसका कोई फोन आया कि क्या हुआ, एक बार जाके निकल आए थे दो चार फूल लेके, बोले कम पड़ो दो फूल और ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, फिर दोनों गए अंदर, एक डंडा लिए थे, साथ में गए थे तीन लोग। हाँ अच्छा, दो लोग तालाब में जाते हैं और एक लोग बाहर रहते हैं। तो जब फिर दोबारा गए तब ये सोचा कि निकल आएंगे आ रहे हैं, तो ये फोन आ गया बाहर रोड पे, थोड़ा दूर पैदल चला गया, जाते जाते बतलाते बतलाते ज्यादा दूर निकल गया। अच्छा, फिर जब वहाँ से लौटा तो यहाँ पे 10-20 लोग खड़े थे, भीड़ मची थी। अच्छा, तब वो यही सूचना हमको मिली है, जो मैं क्योंकि मैं भी नहीं था, मैं घर पे ही था, मैं अच्छा, हमको मालूम नहीं कहाँ गया है मेरा भाई, हमको पता नहीं था। क्या नाम है आपके भाई का? नाम अमरीश मिश्र। अच्छा अमरीश मिश्र, कितनी उम्र होगी उसकी? उनकी उम्र 35 साल। शादी ब्याह हुआ था? नहीं शादी नहीं। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं अमरीश मिश्र जिसकी उम्र 35 वर्ष है, जिस युवक को आज इस घर का सहारा होना चाहिए था, इस घर पर आज उस युवक की ज़रूरत थी, मगर उस युवक की जो है तालाब में डूबने से मौत हो जाती है। तालाब में डूब जाते हैं लोग? जी, जब एक बताते हैं लोग वहाँ पे ऐसा। अच्छा, कि आपने ऐसा सुना है? सुना, तालाब में डूब गए। हाँ। किस तारीख को गया था वो? गया था परसों की बात है। परसों? आज 13-11 गया होगा। जी परसों सुबह में गया था। और फिर जब एक डूबने लगा बताते हैं वहाँ पे, तो दूसरा सोचा बचा लेंगे उसको। अच्छा, उसका हाथ पकड़ा तो अंदर वो भी चला गया। चला गया, फिर दोबारा निकला नहीं ऊपर। अच्छा, यही इस ग्राम सभा में किशुन दासपुर गांव में जो है अमरीश मिश्र जिसकी उम्र 35 वर्ष है, वह जो है तालाब में कमल का फूल बिर्रा उस फूल को तोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि एक पूजा होता है और उस पूजे में जो है इस फूल का आवश्यकता पड़ता है। सुबह निकलते हैं और उस तालाब में फूल तोड़ने के लिए जैसे ही जाते हैं और वहाँ पर क्या घटना घटती है, अचानक जो है वो डूबकर मौत हो जाती है उनकी। सोच सकते हैं जिस देवता की पूजा करने के लिए वो फूल तोड़ने जाते हैं, मगर क्या ऐसा दुर्भाग्य था इस परिवार का
कि लड़का वहीं पर डूब जाता है, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं वहीं पर डूब जाते हैं। जी वहीं डूब जाते हैं, कभी वहां तक नहीं वो देखा भी नहीं था, बहुत सीधा साधा आदमी पहली बार गया, पहली बार उसको लेके गए थे साथ में उसको। अच्छा अच्छा, कोई और कोई घटना नहीं लगता आपको इसमें? नहीं हमको और कोई घटना नहीं लगता है। तालाब में माटी भी निकाली था, ताजी माटी निकला था, बरसात ज्यादा हुआ पानी भर गया था, गहराई ज्यादा हो गया, गहराई उस जगह पे ज्यादा था जहाँ पे फूल था। अच्छा अच्छा, वो लेके गए थे डंडा, किसी से देख रहे थे पानी, लेकिन डंडा सरक गया हाथ से, गड्ढा ज्यादा बड़ा था, गिर गए, क्या हुआ वहाँ पे तो ऐसा ही बताते हैं सब लोग, दोनों साथ में डूब गए। तो अमरीश की माता जी से आइए बात करते हैं, कैसे क्या मामला है। माता जी आपसे आखिरी बार कब बात भर है? इसे सुबह उठे 5 बजे उठे तो कहें अम्मा हम जाते भले बेल लाएंगे, बेल उचारता है, बेल उचारता है। अच्छा अच्छा, तो कुल लाके रख दिए तो कहे भैया कहीं जाना दूर मत जाना, दूर मत जाना भैया। वो नहीं माने, कहे अम्मा अभी मैं आता हूँ, ये दो जाएगी जो चक्कर जाएगा है, हम कहे नहीं भाई मत जाओ, कोई कहे देने वाला है पूजा हो जाएगा, तो नहीं माने गए। हम भी बोले मत जाए, नहीं जाए, अभी आ रहे हैं 2 मिनट में। वो कभी नहीं जाता, पानी डरता था, वो पानी गोरना नहीं डरता था। इस समय वो निकल गए, अब गए 5 बजे, खबर होती है 9 बजे, दिन हो गया 9-10 बजे। अच्छा, सुबह निकलते लेकिन खबर आपको 9-10 बजे, 9 बजे कोई बताया कि अमृत तुम्हारे हैं घर में, भैया बोले हमें ना पता, अम्मा भैया अमरीश हमके भैया ऐसा भैया घर फूल आना है, बस इतने में डूब रहा है, जाओ जाओ देखो दौड़ो, पूरी हल्का मस्जिद चल रहा है लेकर के उधरपति किशनदासपुर, भाई देवाजी भैया ऑटो ले गए, रोक दिए ब्रह्म बाबा स्थान, रोक दिए ऑटो, तो वहाँ से रोक दिए, तभी एक जने गाँव को रहने आ जाए, वो मिल गए, बैठाने गायब गए, वहाँ गरीब रहे 300-400 आदमी जुट गए, कोई हिम्मत नहीं घुस जाए भाई। अच्छा, पता कैसे जाए कहाँ। तो आया बंदीपुर से पानी वाला घुसता था अंदर, वो आया अपने साड़ी मांगा, 2-4-10-20 साड़ी आ गई आजू बाजू में, बांध के खींचे गए, तो ऐसे लाठी उभारे, तो पहले हमारे भैया मिले पानी में से। अच्छा, हमारे भैया मिले, एक लड़का और मिला, दोनों निकाल के बाहर हुए, दोनों खत्म हो चुके थे पानी, वही इस पार हो चुके, वही वही खत्म हो गए थे। अच्छा अच्छा, बस यही समाचार है। हम उसके भी जी ना पाए, हमारे गोई भी दशा है, पील पाओ हाथी पाओ बच्चा हाथ, हमारे सेवा करते थे, सब बाहर रहते थे, पिताजी खत्म में 6 साल हुए, अब से लड़का आ गया है, अच्छा पैसे कमा रहा है बेचारा, हम बहुत गरीब परेशान, अब हम क्या करें, रोना ही दौड़ है। जी जी जी, अब कुछ कर नहीं पाएंगे हम। एक लड़का था आपके बुढ़ापे का सहारा था, भगवान ने उसको भी छीन लिया। हाँ हाँ, एक बच्चा हमारा बड़ा वाला, बाहर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कोई मतलब, हाँ ये बच्चा हमारे है, घर भी नहीं बनवा पा रहे हैं, देखो हमारे कैसे बीत रहा है प्रभु जाने, अब हम क्या जाने। अच्छा, कोई पूजा वगैरह था क्या? जोटन बाबा पूजा होता है, जोटन बाबा। अच्छा, उसमें उस फूल फूल का बहुत जरूरी, बेल फूल, वो कोई नहीं फूल होता जो बेराक होता है, बेराक मुंह मुना रहता है, उसी के साथ चाहिए। अच्छा अच्छा, वो कुछ निकाला चले घरे, तो जो बदमाश वो एक लमंडा होता नाग लगा था, वो कहे कि हेलो हेलो बन जाओ, तभी 4 फूल कम है। अच्छा, तो फिर वही वही फूल जान लिया उसको। अच्छा, दोबारा नहीं जाता तो मरता नहीं हमारा बच्चा। अच्छा, बच्चा हमारा आ जाता, बहुत हाइकर था कर बेटवा हमारा, हाँ उसका मुंह मलपट नहीं भुला रहा। हमारा वो बच्चा अब कहा होगी तो भगवान की कैसे गिरा कैसे, वो तो जान जान से मारा गया है, वो जो कहते हैं हेलो अरे दोहाई पंचों को लड़का डूब रहा है, तो कोई फाट पाता उसमें ऐसे कर रहा है, नहीं जान नहीं जानता पाओ। अच्छा, वो जल से तैरने नहीं आता था, जल से डरता था वो, घर में हम कोर पानी कहते हम मना जाए हम पानी नहीं करेंगे, ऐसा हमारे पर घटना घटा। हमारा बच्चा, हमारा अमरीश बच्चा, हम तब रहे 3 दिन से दिन रात ऐसे रो रहे हैं, कोई समझा नहीं पा रहा, भैया माँ कहे भैया माँ, हम कहे भैया हमार भैया, उनके सारे तुम रहते थे खेती में देता था, लेकिन गाड़ी दिन में रहते थे बेचारे, वो हमारा भैया आपके दुख सुख में वो साथ देते। हाँ हाँ, हे भैया अमरीश का एक दबाव पिला रहा है, टास हो रहा है, टास हमारा बच्चा उब गया, और हमारे सब मानते हैं बात नहीं, लेकिन वो थोड़ा हदम रहता था, जो पास में रहता उसमें ममता ज्यादा। हाँ हाँ, 5 तक पढ़ा था वो, बीमार हदम रहता था बेचारा, आज सामने ये घटना घटी, वो हमको छोड़ के भाग गया, यही हमारा दुर्दशा। पिता का साल पहले उठ गया, पिता तो 6 साल पहले।
एक सहारा था वो भी अभी चला गया। हाँ भैया यही बात हमारी है। कैसे जिएंगे आप? कैसे जिए भगवान जाने क्या भीख मांगेंगे क्या, हम कब तक मरेंगे नहीं जाने। वो अभागी होती है और नहीं मरती, मर्द मरते हैं। अच्छा। दुनिया में देखो किसी का भाग्यशाली लोग जाते हैं पति के हाथ, नहीं सब विधवा हो जाती है। अच्छा, अच्छा। भाग के रेखाए हैं। हाँ, हाँ। तो हम ये समझे हमारे तो विधवा हो गए। अच्छा अच्छा। हमारे लाल भी चला गया। लाल भी चला गया, यही हमारी विनती है। जो हमारी नसीब में हो वो तो हो ही हो के रहेगा, जो रात हो। अच्छा, कोई सहयोग करने के लिए नेतागण मंत्री उन्त्री कुछ लोग? अब देख आए थे मंत्री आए थे, कोई ऐसे हैं मैंने 500 रुपया दिए, कहे माता जी को दिए जाते भाई आपकी जो मर्जी हो हम नहीं मांगेंगे। अच्छा अच्छा, ऐसे बोले ऐसे हाथ जोड़े तो 500 रुपया हाथ में थमा दिए हमें। और जो आर्थिक सहायता मिलती हो, आर्थिक सहायता जो 4 लाख रुपए मिलते हैं, अब देखो उसके लिए अभी बोले हैं, बोल रहे अभी कुछ करना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड जमा करा अभी तुम्हारे 3 दिन हो चौथा कल होगा, अभी तो तेरे ही करना हमारे बच्चा को। अर्थिम से जान सब गए भैया, उसकी शादी भी नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, कहे करें करें क्या करें भैया, अच्छी शादी अच्छी नहीं हो रही। तुम बेचारा पहले नहीं था, जीएसटी में रहता लोग। हर माँ बाप की इच्छा होती है अपने बेटे की शादी देख। हाँ करें कि हमारा दिल था, हमारे मैं कि छत्तीसगढ़ हम जाने वाले थे, हम जाए वहीं करेंगे शादी। कहें अम्मा नहीं हम कुछ नहीं करो, एक हमारी जनेऊ करा दो हमको, एक हमको मोबाइल दे दो। अच्छा अच्छा। वो भी देखा भैया लिखनी विधान को मिटेगा नहीं, हमारी किस्मत में जो है वही मिलेगा। गलत कह रहे हैं? नहीं नहीं सही है। वो हमारी भाग के रेखाएं कोई जोड़ के नहीं पाएगा, तो वही हो गया जो होना था। अच्छा। रो रो के मरी कोई दिखाएगी इसको तो ना मिलेगी बेटा हमारी। अब तो गए तो गए, वो तो गए, लेकिन लोग समझाते हैं कि हमारा दिल जो है घर में जा हमारे भैया अमरीश भैया ठेला हम याद तो आती होगी ना, जब जैसे सुबह उठती होंगी हमको हरदम घटना हमारे भैया अमरीश की याद भी मिले थे। अम्मा मीन जाए हाँ भाई तेल दबाते थे, हम रो रहे हैं हम हरदम, ये तो खा रहे आलू वालू फहरा रहा बस, हमको हरदम दुखता है हमारे भाई। तो देख सकते हैं कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, रो रही है। एक बेटा जो होता है माँ बाप का सहारा होता है, दुख दर्द जो भी समस्या होती है तो हमेशा एक पुत्र जो है अपने माता पिता के लिए एक सहारा बनता है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं सोचते हैं वही बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन क्या पता है कि ऐसा दुर्भाग्य है या फिर कहें इनकी बदकिस्मती है कि माँ अभी भी रो रही है और पुत्र जो है वो एक्सपायर हो चुका है, बाप का साया पहले ही इस परिवार से उठ चुका है।